नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल में। किसान भाइयों, विदेशों में प्याज का स्टॉक कम रहने की वजह से प्याज के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, दो दिन के अवकाश के बाद प्याज के भाव में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। करीब 900 से लेकर 1300 रुपये या 1400 रुपये प्रति मन के हिसाब से प्याज बिक सकती है। किसान भाइयों, बताया जा रहा है कि विदेशों में मात्र 20% प्याज का स्टॉक रहने की वजह से प्याज के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हमारे कुछ किसान भाई प्याज का स्टॉक घर पर ही कर रखा है और प्याज को नहीं बेच पा रहे हैं। किसान भाइयों, आप कुछ दिन का समय लीजिए और उसके बाद प्याज को बेचें, जिससे आपको अधिक से अधिक मुनाफा हो और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों, एक बीघे में करीब 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है और आपको उनका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि भाव कम रहने की वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसान भाइयों, आपकी लागत भी नहीं निकल रही है, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। किसान भाइयों, आप टेंशन ना लें, प्याज के भाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाला है और आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होने वाला है। किसान भाइयों, आप एक बात का ध्यान अवश्य रखें, जब आप प्याज को कट्टों में भरते हैं तो साफ सुथरी प्याज, सूखी हुई प्याज को भरें, जिससे आपके भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, आप क्या करते हैं कि कट्टों में सड़ी गली हुई प्याज भरकर ले आते हैं और साफ सुथरी प्याज भी नहीं लाते हैं, जिससे आपके भाव में गिरावट देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, आपसे गुजारिश है कि आप साफ सुथरी प्याज को मंडियों में लेकर आएं, जिससे आपके भाव में तेजी देखने को मिल सके और आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।